हेलो फ्रेंड्स व्हाट्सअप गाइस, आई थिंक यू गुड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट कॉमन टॉपिक स्टूडेंट आस्क मी आस्क मी फ्रिक्वेंटली हाउ टू क्रैक एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम इन फर्स्ट अटेम्प्ट। कॉमन एक टॉपिक है कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में अपने जो है एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम जो है वो क्लियर कर सकता हूँ क्या वो बिल्कुल कर सकते हो हाउ टू गेन मोर मार्क्स इन फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैं आज इस वीडियो में आपको पांच चीज़ें बताने वाला हूं फाइव इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टू क्रैक फर्स्ट अटेम्प्ट इन एस एस सी और एस एस सी जो कि सी आपका हो चुका है जो सी एच आपका अट्ठारह मई से जो है वो स्टार्ट होने वाला है तो इसके अंदर मैं आपको फाइव टिप्स मानिए उसको या फिर ट्रिक्स मानिए या फिर आप मैनेजमेंट मान सकते हैं उसको तो मैं इस वीडियो में आपको वो पांच चीज़ें बताने वाला हूँ तो लेट गेट स्टार्टेड वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर न्यू विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा गवर्नमेंट जॉब की पल पल अपडेट के लिए तो इसके अंदर अब अगर आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक है और आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं तो आप जाहिर सी बात है जो आपका जो आपका फर्स्ट क्राइटेरिया होगा आप डेली एक मोक लगा रहे होंगे आप मोक लगा रहे होंगे एक मोक लगाने का मतलब है आप वहाँ से अपने जो स्कोर है वो भी टैली टैली कर रहे होंगे कि आपका जो स्कोर है वो कितना आ रहा है आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं तो मार्क्स आने का मतलब ये है कि आपके अगर मार्क्स टू हंड्रेड का जैसे एग्ज़ाम है और आपके मार्क्स 150 के अराउंड आ रहे हैं तब तो आपकी प्रिपरेशन आप मान के चलते हैं कि ठीक है लेकिन बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो हंड्रेड के अराउंड आते हैं तो उनको क्या करना है तो इस वीडियो में हम मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो स्पेशल है बाकी जिनके मार्क्स जो हैं ज़्यादा आ रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं इजीली और उससे इस चीन इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद अपने मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं मैंने भी इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए दो बार आपका जो है सी का सी का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किया है और सी का एग्ज़ाम भी मैंने क्लियर किया है और सी एच एस एल का एग्ज़ाम भी जो है मैंने इस इसी स्ट्रेटजी से क्लियर किया है तो तीनों एग्जाम जो है मैंने इसी स्ट्रेटजी के साथ अपने क्लियर किए हैं तो इस वीडियो में मैं आपको वो स्ट्रेटजी ही बताने वाला हूँ तो सबसे पहले आपने जो भी टॉपिक पढ़े हुए हैं आपने सब रिवाइज कर लिए हैं और अब आपका जैसे ही टाइम आ रहा है तो आप मोक लगा रहे होंगे मोक लगाने का मतलब है कि आपने सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर लिया है तो सबसे पहली जो टिप्स है मेरे पास जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है मोक एनालिस मोक एनालिस में आप आपकी स्ट्रेंथ जो है आपकी जो स्ट्रेंथ है उसको आप भले ही ना देखें लेकिन जो आपकी वीकनेस है यानी कि जो सवाल जिस टॉपिक से आपके सवाल छूट गए हैं उनको आपको ज़रूर देखना है अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी वीकनेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है जैसे कि आपने कोई एक मॉक किया उसके अंदर आपके मान लीजिए कि बारह सवाल जो हैं वो रॉन्ग हो गए और आपके उसके अंदर जो टोटल स्कोर आया है पचास सवाल आपके राइट हो गए और आपका स्कोर जब पचास सवाल आपके ठीक हो जाएंगे तो सौ स्कोर आपका हो जाएगा उसके अंदर छः मार्क्स कट जाएंगे तो नाइन्टी फोर आपका स्कोर हो जाएगा तो आप उसके अंदर ये देखिए कि ये बारह जो सवाल हैं इसके अंदर मैंने क्या गलतियाँ की हैं आप इसको एनालाइज़ कीजिए और जो मैथ के या फिर रीजनिंग के या फिर इंग्लिश के सवाल आपके नहीं हो पाए हैं उनको एनालाइज़ कीजिए कि आपकी कहाँ गड़बड़ रह गई है सबसे मेन चीज़ ये होती है इसके अंदर कि अगर आपने अपना एनालाइज नहीं किया है मॉक टेस्ट को क्योंकि आपको स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि किसी सवाल पर आपको किसी सवाल पर आपको एक मिनट से ज़्यादा का समय जो है लग रहा है तो आप मानकर चलिए कि वो टॉपिक आपका क्लियर नहीं है क्योंकि आप एक मिनट के अंदर अगर ये पता नहीं लगा पाते हैं कि सवाल के अंदर मुझे क्या करना है और क्या पूछा गया है तो आप कहीं ना कहीं उस टॉपिक के अंदर वीक हैं तो आपको उस पर मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप देखते ही किसी टॉपिक को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका जो एग्ज़ामिनर है क्या पूछ रहा हो इसका आंसर कैसे निकलेगा तो वो टॉपिक आपका बिल्कुल सही है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत नहीं है तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि मॉक एनालाइज करना है आपको दूसरी जो टिप्स है आपकी वो है रिवीजन रिवीजन आपको जो करना है जैसे कि इसके अंदर चार सब्जेक्ट आते हैं मैथ आता है रीजनिंग आता है इंग्लिश आता है और जी के आता है जी के को अगर आप अगर हटा भी दें इसके अंदर से थोड़ा बहुत अगर आप पढ़ते हैं क्योंकि एस एस सी वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनका जो जी के होता है वो इतना अच्छा नहीं होता अगर आप एनालाइज़ कर लेते हैं कि जी के मेरा अच्छा नहीं है जी के में मुझे दस सवाल करने हैं और इंग्लिश में मैं बीस तक कर सकता हूँ और रीजनिंग के अंदर मैं ट्वेंटी टू के अराउंड कर सकता हूँ और मैथ के अंदर मैं ट्वेंटी क्वेश्चन कर सकता हूँ विद हाई एक्यूरेसी हाई एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि जितने आप सवाल करें वो ठीक हो और प्री एग्ज़ाम के अंदर किसी भी एग्जाम का प्री एग्ज़ाम होगा तो टाइम मैनेजमेंट आपका बहुत बड़ा पार्ट जो है प्ले करता है एग्जाम को क्लियर करने के लिए अगर आप, के अगर आप किसी सवाल के अंदर अटक गए हैं अगर आप किसी सवाल के अंदर अटक गए हैं और आप उसी को करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं तो आप जो हैं बिल्कुल भी उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते और आप अटकते क्यों हैं जब आपकी रिवीजन में कमी रहती है आप भूल जाते हैं स्टेप्स क्या होते हैं वही बात रीजनिंग की कह लीजिए मैथ की कह लीजिए या फिर डी के अंदर आपको सवाल याद नहीं रहते इंग्लिश के अंदर आप जो है रूल है वो भूल जाते हैं तो रिवीजन जो है सेकंड पार्ट है किसी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सेकंड टिप्स आप मान सकते हैं थर्ड टिप्स के अंदर मैं जैसे ही आपको बताया था कि मोक एनालाइज के अंदर स्ट्रेंथ और वीकनेस जो है आपको एनालाइज करनी है तो आपका थर्ड और फोर्थ जो पॉइंट है वो स्ट्रेंथ और वीकनेस ही है इफ यू कांट एबल टू आइडेंटिफाई यूर स्ट्रेंथ यू कांट गेट मोर मार्क्स इफ यू एबल टू आइडेंटिफाई यूर वीकनेस यू डेफिनेटली गेट मोर मार्क्स क्योंकि अगर आपको जब अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होगा तो आप इजीली स्कोर कर पाएंगे वीकनेस का आपको कैसे पता चलेगा कि यह टॉपिक मेरे को नहीं आता ये मेरा टाइम कंज्यूमिंग है तो आप उसको देखते ही स्कीप कर देंगे स्किप से आपका टाइम बच जाएगा और बाद में अगर आपका टाइम बचता है तो आप उसको शायद बना भी लें स्ट्रेंथ का मतलब है कि स्ट्रेंथ अगर आपको पता है तो आप इजीली अपनी स्ट्रेंथ वाले सवालों को देखेंगे और इजीली उनको करते चले जाएंगे वीकनेस से मेरा तात्पर्य आप समझ ही चुके होंगे कि आपकी जो वीक टॉपिक है आप उनको एग्ज़ाम में फर्स्ट हाफ़ में फर्स्ट हाफ़ का मेरा मतलब है कि जब आप सौ so क्वेश्चन एक बार देख लें तब ही दोबारा से जब आप एक से स्टार्ट करते हैं तभी आप उनको वीक टॉपिकों को उठाएं अगर आपके टाइम बचता है तो पहले हाफ़ के अंदर आप बिल्कुल भी अपने वीक पोर्शन को एग्ज़ाम में सोल्व करने की कोशिश ना करें और फिफ्थ थिंग फिफ्थ थिंग जो है इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है वो है आपकी टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट का आपका जो है आप जो मोक करते हैं आप उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं जैसे कि मैं रीज़निंग को अगर पंद्रह मिनट देता हूँ तो मैथ को मैं अगर बीस मिनट देता हूँ और अगर मैं इंग्लिश को पंद्रह मिनट देता हूँ तो ये मेरे पचास मिनट जो हैं हो गए हैं और जी को मैं दस मिनट के अंदर जो है वो कर लेता हूँ तो ये मेरा टाइम मैनेजमेंट है मोक का एग्ज़ाम में जब आप जाएंगे तो आपका ये टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है रीजनिंग में आपको टाइम ज़्यादा लग सकता है कैलकुलेटिव आ सकती है या फिर मैथ में आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है या फिर इंग्लिश के अंदर जो है आपको ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन दे सकते हैं कि जिससे कि आपको सोचने में समझने में ज़्यादा टाइम लगे तो इन सभी चीज़ों पर जब आप मौक के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट जो है पता चल जाएगा अब जैसे आपका कल एग्जाम है कल या परसों आपका अट्ठारह मई को एग्जाम है तो आप कोई मोक मत लगाइए नो मोक क्योंकि आप अगर इस समय मोक लगाते हैं और आपका स्कोर जो है डाउन हो जाता है तो आपका मोरल जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा और आपका एग्जाम भी बिगड़ जाएगा हाँ अगर आपका एग्जाम जो है पच्चीस तारीख को है छब्बीस तारीख को है चौबीस तारीख को है यानी कि तीन तीन के बाद अगर आपका एग्ज़ाम है तो आप इजीली मॉक लगा सकते हैं रोज एक सुबह एक शाम या फिर तीन मॉक भी लगा सकते हैं लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम जो है एक दो तिन के अंदर है तो आप मॉक ना लगाएं सिर्फ अपने सिलेबस को रिवाइज करें मैथ के अंदर आप अपने फॉर्मूले रिवाइज करें रीजनिंग के अंदर जो आपका पैटर्न है टिप्स एंड ट्रिक्स है उनको एनालाइज करें आप मेरी बात मानिएगा मैंने खुद इस स्ट्रैटी को फॉलो करते हुए काफ़ी एग्ज़ाम जो हैं क्रैक किए हैं और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही क्रैक किए हैं जैसे कि मैंने आपको बताया एस एस सी का एग्ज़ाम मैंने दो बार अटैम्प्ट किया है दो एक बार उन्नीस सौ दो हज़ार उन्नीस में किया था एक बार दो हज़ार बीस में किया था दोनों बार मैंने इसको क्रैक किया है और एस एस सी सी एच सी जी एल हो या सी एच एस एल हो मोर मार्क्स लाने का जो स्ट्रेटजी है वो यही स्ट्रेटजी है कि अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ पता है वीकनेस पता है आपको टॉपिक्स क्लियर हैं आपके वीक टॉपिक्स भी आपको पता है कि मेरे से जो सिटिंग अरेंजमेंट है ब्लड थीलेसन है मैंसूरेसन है टिक्नोमेट्री है ये वाले सवाल अगर नहीं बनते हैं तो मैं इनको देखते ही स्किप कर सकता हूँ अगर मेरे जो मेरे को इसके अंदर से इजी सवाल आते हैं अगर उस टाइप का आता है तो मैं अटैम्प्ट करूँगा अगर थोड़े से भी इधर उधर से आ जाते हैं तो मैं उसको स्किप कर दूँगा तो इस वीडियो में मैंने आपको जो चीज़ें बताई हैं आप एग्ज़ाम में और मॉक करते हुए उन सभी चीज़ों का ध्यान रखिए आपका सिलेक्शन जो है वो हंड्रेड परसेंट होगा इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद